चंबा मेडिकल कॉलेज में अब ओपीडी में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस नियम को लागू करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट करवाने के केंद्रों को भी बढ़ाया गया है, ताकि किसी रोगी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस बारे जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य रमेश भारती ने कहा कि लोग स्वयं आगे आकर कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेड टेस्ट के माध्यम से कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है, जिससे लगभग 30 मिनट के अंदर कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है, जिसके बाद रोगी का ओपीडी में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे एक और जन्हा कोरोना रोगियों की पहचान होगी और दूसरी और कोरोना को समय से फैलने से भी रोका जा सकता है। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी से इस प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील भी की। मेडिकल कॉलेज चंबा में हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं या शहर से आ रहे हैं, ओपीडी में जाने से पहले सबका कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है, और जो इंडोर वार्ड में पेशेंट दाखिल है उनका भी कोविड टेस्ट होगा, और उनके साथ जो अटेंडेंट जाएंगे तो बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले उनका भी कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी तक हमारे जो कोविड केसेस हैं पेरिफेरी में काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए जो है वो हमने ये सभी के लिए कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। उनसे या उनके अटेंडेंट से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे को हेल्प करें और अपनी बारी का, क्योंकि इसमें टेस्ट करने में थोड़ा सा आधा घंटा लग जाता है रिपोर्ट आने में, सैंपल लेने में, तो सबसे प्रार्थना है कि अपने जो है इसके लिए हेल्प करें और सहायता करें हमारी और अपना टेस्ट करवाएं। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।